एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह डीएलएड से संबंधित है। जी हाँ, अगर बिहार से आप डीएलएड कर रहे हैं और आपका सेशन 17-19 है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे 17-19 सेशन के परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार से अगर डीएलएड कर रहे हैं और आपका सेशन 17-19 है तो उसके परीक्षा का फॉर्म भरा जा चुका है और परीक्षा का डेट भी आ चुका है, लेकिन अभी तक जो है एडमिट कार्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन यही है जो कि पेपर में भी आ चुका है और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरी जानकारी इस प्रकार है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, विज्ञप्ति संख्या PR 213/2019, ERC NCT से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राज्य के और राजकीय कोटि के महाविद्यालयों के अभ्यर्थियों का डीएलएड परीक्षा वर्ष 2019 हेतु भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी करने के संबंध में आवश्यक सूचना। और सूचना इस प्रकार है कि एतद् द्वारा ERC NCT से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राज्य के अराजकीय कोटि के, ध्यान दीजिएगा, राज्य के अराजकीय कोटि के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधान, संबंधित छात्र छात्रा, अभिभावक, जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि डीएलएड परीक्षा वर्ष 2019 का ऑनलाइन एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट www.biharboard.online पर दिनांक 21/5/2019 से अपलोड रहेगा। ध्यान दीजिए, ऑनलाइन एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट www.biharboard, स्पेलिंग इस प्रकार है www.biharboard.online, यानी कि www.biharboard.online पर दिनांक 21/5/2019 से अपलोड रहेगा। और आगे की जानकारी इस प्रकार है कि सभी अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधान से अनुरोध है कि पूर्व में उपलब्ध कराए गए user ID एवं पासवर्ड के द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर और मोहर के साथ संबंधित सभी परीक्षार्थियों को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो है जो भी विद्यार्थी हैं डीएलएड का 17-19 का, तो उनको जो है अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए जो है कॉलेज में आना पड़ेगा, क्योंकि उस पर जो है सिग्नेचर और मोहर भी होना नितांत जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन आप निकाल भी लेते हैं किसी तरह से तो काम नहीं करेगा, क्योंकि user ID जो है कॉलेज में मिला हुआ है पासवर्ड, उसी के माध्यम से जो है वो जो आर्मी कार्ड डाउनलोड होगा और पुनः उस पर सिग्नेचर और मोहर भी लगेगा। तो कॉलेज में आकर जो अपना आर्मी कार्ड ले सकते हैं, यानी कि 21 तारीख के बाद, 21 तारीख को पता नहीं कब, टाइम नहीं दिया कि कब तक लोड होगा, यानी कि 22 से आकर आप जो है अपना आर्मी कार्ड जो है अपने कॉलेज से ले सकते हैं। तो इस प्रकार डीएलएड संबंधित और भी अपडेट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस AB जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी कोई लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जो है इसको सब्सक्राइब करके और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी जानकारी अपडेट होती रहे। तो इसी साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।